हैं हमारे JBL के C101 TWS ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स। अब हम यहाँ पे इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, तो बॉक्स एकदम यहाँ पे सील पैक है। और बात करें हम यहाँ पे बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमें मिलता है JBL के क्विक स्टार्ट गाइड, और यहाँ पे कुछ लीफलेट, यूजर मैनुअल है, USB टाइप सी केबल, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये माइक्रो USB केबल है, कुछ ईयर टिप्स मिलते हैं, ये चार्जिंग केस मिलता है हमें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग केस मिलता है, इसको रखते साइड में। अगर मैं बात करूं उसके चार्जिंग केस की, ये इसका चार्जिंग केस है, पीछे आपको जो है माइक्रो USB यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे इस केस को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे लाइट जो है वो जलती हुई मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट्स जल रही है। ये चार्जिंग इंडिकेटर कि आपके जो चार्जर है उसमें कितनी यहाँ पे बैटरी है, आपके ईयरफोन्स में कितनी बैटरी लेफ्ट है, तो ये अच्छी बात है। और इसकी जो मुझे क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे जितने भी बजट यहाँ पे ईयरफोन्स आपके आ रहे हैं Xiaomi की तरफ से या Realme की तरफ से और भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, उनसे अच्छी यहाँ पे मुझे इसकी क्वालिटी लगी यहाँ पे केस की। नहीं तो जनरली क्या होता है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती यहाँ पे केस की, तो जल्दी खराब हो सकता है आपका केस और फिर आप चार्ज नहीं कर पाओगे। इसको यहाँ पे बूट वगैरह कैसे करना है और कनेक्ट कैसे करना है अपने डिवाइस के साथ, और इसकी प्राइस मुझे इतनी सस्ती कैसे मिली, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बात करेंगे इसके रिव्यू के बारे में। तो अब आप ये जो रिव्यू देख रहे हो वो देख रहे हो यहाँ पे 45 डेज के बाद, मैंने यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर दी थी इसकी पहले, और अब मैं ये जो वीडियो है वो कंपाइल करके आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है और इसका यूजेज कैसा है, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए जो प्राइस में मुझे पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो 8,000 रुपीज का, वैसे इसकी MRP जो है वो 8,000 रुपीज लिखी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे 7,999 रुपीज, और मुझे ये जो प्रोडक्ट पड़ा है वो पड़ा है लगभग 1,850 रुपीज में, मतलब 1,850 में मेरे ये प्रोडक्ट जो है पड़ा JBL के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि है JBL के C100 TWS। तो आज मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप यहां पे ये जो प्रोडक्ट है वो आपका चार्ज बिल्कुल नहीं आता जब भी आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अनबॉक्स करोगे, तो आप इसको जो है इस प्रोडक्ट को सबसे पहले चार्जिंग पे लगा देना। उसके बाद होगा क्या, जब आप चार्ज कर लोगे यहाँ पे तो ये लाइट्स जो है वो शो होनी चालू हो जाएगी। ये बैटरी इंडिकेटर है, 3 लाइट होगी तो फुल चार्ज हो जाएगा, 2 लाइट जलेगी तो मीडियम चार्ज पे होगा, और इसके बाद जब आप इसको खोलोगे लिड को खोलोगे तो इसके बाद जो इसका राइट TWS है आपको पेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो राइट TWS है आपका उसको निकाल के 3 सेकेंड्स तक आपको जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि आपको जो लेफ्ट जो है आपका TWS वो आपको यहाँ पे अलग से पेयर करना पड़ेगा, दोनों पे आपको यहाँ पे 3 सेकेंड जो है वो प्रेस करके आपको जो है वो पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ मैं अपने रिव्यू की, अपने एक्सपीरियंस की, तो मुझे ये जो ईयरफोन्स है वो इतने अच्छे नहीं लगे पर्सनली फॉर द प्राइस बिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिला, बट मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो इतने अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे एक JBL का नाम है, लेकिन जो इसकी जो साउंड है, जब आप यहाँ पे 70% से ऊपर साउंड सुनते हो यहाँ पे, तो आपको एक अलग सी वाइब्रेशन सुनाई देती है और बहुत ही जो आपको ईयर्स को चुभती है आपके। और इसके बाद जो इसका म्यूजिक साउंड है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को डिफेक्टिव प्रोडक्ट यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने दे दिया है, बट मैंने उनको यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का जो जीवस है यहाँ पे उनको मैंने यहाँ पे कंप्लेंट की थी, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने टेक्नीशियन भेजे, उसके बाद जो है मेरा जो वो प्रोडक्ट है रिप्लेसमेंट के लिए वो कैंसिल कर दिया, और इसके बाद अब मुझे यही प्रोडक्ट के साथ जाना पड़ रहा है। ये है डिफेक्टिव, यहाँ पे मुझे फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे अपने बिग बिलियन डे सेल में मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट यहाँ पे भेज दिया था मैंने यहाँ पे। और एक और बात, मैं जब यहाँ पे अपने ईयर्स में लगाता हूँ तो ये इजीली, चाहे मैं कोई भी बड्स यहाँ पे लगा लूँ मीडियम बड्स की या फिर यहाँ पे जो लार्ज बड्स है या फिर जो इनके होते हैं स्मॉल बड्स, तो सारे मैंने यहाँ पे अप्लाई करके देख लिए थे, तो भी ये क्या होता था कि जब भी मैं इसको यहाँ पे लगाता था तो ये एकदम से फिट नहीं होते थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे इस ईयरफोन्स को यहाँ पे दिखाता हूँ, ये राइट वाला ईयरबड है, इसको यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो, आप ये ऑलरेडी निकल चुके हैं मेरे ईयर से,
तो अगर मैं यहाँ पे रनिंग करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे जिम वगैरह करता हूँ, तो ये आपके जो ईयरफोन्स होंगे उसमें इतने अच्छे नहीं रहेंगे आपके फिट में। हो सकता है कि ये जो है ईयरफोन्स वो मेरे ईयर्स में ऐसे लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स पे और सबको भी ये ईयरफोन ट्राई करने के लिए दिया था, तो उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। प्लस इसमें ये जो साउंड की प्रॉब्लम है वो तो है ही है। हो सकता है कि मेरे पास ही, हो सकता है क्या, मेरे पास ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लिपकार्ट ने जो है वो रिजेक्ट कर दी मेरी रिक्वेस्ट को। अब मुझे इसके साथ डील करना पड़ रहा है। लेकिन आप मुझसे पूछो कि इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहती है, यहाँ पे कभी 3,000 हो जाती है, कभी 4,000 हो जाती है, कभी यहाँ पे 2,000 हो जाती है। तो मुझे 1,850 में पड़े थे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में, और मैं आपको यहाँ पे 45 डेज के यूजेस के बाद आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको लगभग लगभग 10 से 12 दिन यहाँ पे यूज़ किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करना इसको बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं लगा। और मैं, अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको, आपका बजट है 2,000 का, तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा रियल मी के जो बड्स एयर नियो है वो। यहाँ पे उसका फिटिंग भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे जो उसका स्टाइल स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। साउंड क्वालिटी का तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एवरेज लगी। लेकिन मैं बात करूँ उसकी बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो मैंने एक सिंगल चार्ज पर, मुझे आराम से 4 to 5 डेज का यहाँ पे बैकअप मिल जाता है। तो इसकी बैटरी लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी लगी चार्जिंग टाइम की। तो जिसका इसका पीछे आपको पोर्ट मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है यहाँ माइक्रो USB पोर्ट। तो इसका जो चार्जिंग टाइम है वो यहाँ पे एवरेज लगा मुझे, 2 से 4 घंटे इसमें फुल चार्ज होने में लगते हैं इसको। और केबल भी इसकी यहाँ पे एवरेज सी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी केस की जो क्वालिटी, तो केस की क्वालिटी हालांकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी फॉर द प्राइस बिंग 1,850 रुपीज़ की हिसाब से। यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि इसके MRP यहाँ पे 8,000 लिखी हुई है, लेकिन वो सब झूठ है, 4,300 की प्राइस पे ही लॉन्च हुआ था। वो यहाँ पे कंपनी बढ़ा चढ़ा के लिख देती है जानबूझ के, ताकि आपको लगे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे परचेज कर लो। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो प्रेफर करेंगे ऐसा ट्रू वायरलेस ईयरफोन, कुछ लोग जो है वो एयरपॉड स्टाइल प्रेफर करते हैं एप्पल का। तो अगर आपको जो है ये वाली ईयरफोन्स आपको आपके कान में फिट रहते हैं, आपने पहले एक्सपीरियंस करे हुए, तो आप इसके साथ जा सकते हो। बट अब मेरे हिसाब से जो है एक और प्रोडक्ट पे जो है वो डील आ गई है, वो 15,000 के ईयरफोन्स हैं, लेकिन वो अब 4,000 में मिल रहे हैं। अभी भी आप चेक कर सकते हो अमेजोन पे जाके, जाबरा के इलीट 65T। तो ये जो ईयरफोन्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लगेंगे आपको, और पर्सनली मैं यहाँ पे वही ईयरफोन्स अब लेने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसकी जो साउंड क्वालिटी है और जो उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे ओवरऑल इस ईयरफोन से। हालांकि मुझे 1,850 में पड़े, लेकिन मुझे, हालांकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इस प्रोडक्ट को अब, तो आप JBL के ब्रांड पे ना जाना। फ्लिपकार्ट यहाँ पे ऐसे स्कैम कर रहा है ऐसे डुप्लीकेट और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को बेच के। यहाँ पे आपको दिखा देगा यहाँ पे कि 8,000 का प्रोडक्ट MRP बॉक्स पे लिखी हुआ है, और आपको बेचेगा यहाँ पे 1,850 में। तो ये सब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे सेल करता है, और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को जो है और सब बड़े डिस्काउंट्स वाले ऑफर में भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिले हो। कुछ लोगों को सही प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कुछ लोगों को डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है, मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ 45 डेज के बाद, यहाँ पे 1.5 महीने के बाद, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो आप यहाँ पे इग्नोर कर दो। और यहाँ पे अगर आपको कोई और ट्रू वायरलेस, क्योंकि अब इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ये प्रोडक्ट था बिग बिलियन डे सेल में जब मुझे इतनी प्राइस पे मिला, अब ये 3,000 से 4,000 के बीच में जो है वो रेंज जा रही है इसकी, तो उतने में यहाँ पे वर्थ नहीं बनता। उस हिसाब से तो वन प्लस का जो बड सी है वो 3,000 के आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव की बात करते हो यहाँ पे, या रियल मी बड्स एयर नियो अच्छे हैं, अगर आपको फिटिंग वगैरह कान में आपको पेन नहीं होता, पेन नहीं चाहिए आपको, एयरपॉड स्टाइल चाहिए, तो आप वो ले सकते हो, जैसे एप्पल के एयरपॉड्स की कॉपी भी कह सकते हो आप उन्हें। तो या फिर आप, मैंने आपको बताया जाबरा के, क्योंकि मैं भी वो परचेज करने वाला हूँ, उसके बाद आपको मैं उसका भी रिव्यू जो है आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।